हाय गाइज, हाउ आर यू? माई सेल्फ पूनम अग्रवाल फॉर द पूनम फार्मा चैनल. इट्स डिस्कशंस अबाउट द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी के जो भी हमारे क्लास ऑफ प्रोहिबिशंस है उसके बारे में और उसके ऑफेंस और पेनल्टी के बारे में. तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इस एक्ट को मनाया क्यों गया है, किस पर्पज़ पे मनाया गया है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं लाइक दैट द ड्रग्स क्या है. ड्रग्स इज ये हमारे एक ऐसा मटेरियल है, ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि हमारे यूज होते हैं डिजीज और डिजॉर्डर कंडीशन में फॉर द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन एंड क्योर पर्पज में. ठीक है, तो इनको इन सभी पर्पज के जो मटेरियल यूज होते हैं उसे हम लोग ड्रग्स बोलते हैं. मैजिक रेमेडी क्या है? मैजिक रेमेडी का मतलब होता है कि जो हमारे चार्मिंग प्रोडक्ट हैं लाइक दैट द कवच, हमारे मंत्र, ये सभी प्रोडक्ट जो हैं इसको हम लोग मैजिक रेमेडी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट हम लोग हमारे बात को पब्लिक के थ्रू पहुंचाने के वे को उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट. हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को पब्लिक के पास कैसे पहुंचाएंगे, हमारे प्रचार कैसे करेंगे उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट. तो ये जो सारे डेफिनेशंस टर्म्स हैं ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं. तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रोविजनल्स वे हैं, क्लासेस हैं, क्या क्या हैं. तो मेनली हमारे प्रोविजनल क्लासेस हैं फाइव टाइप्स के. फर्स्ट वन इज द प्रोविजन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ए सर्टेन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन डिजॉर्डर एंड डिजीज. ठीक है, सेकेंड वन इज द कि हमारे एडवर्टाइजमेंट प्रोविजन्स ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग्स. तो इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करना, मिसलीडिंग ड्रग्स से उनकी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना. तो हम लोग कौन कौन से मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और किसका एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिशन से करना ज़रूरी नहीं है, हमें एक्ट के खिलाफ जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट है कि हमारे प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ए मैजिक रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन डिजीज एंड डिजॉर्डर. तो ऐसा कौन से मैजिक रेमेडीज है जिसका एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिशन से फॉर द स्पेसिफिक डिजीज एंड डिजॉर्डर. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोहिबिटेड दैट्स आर द सच रूल शैल बी मेड एक्सेप्ट. तो इसमें हमारा जितना भी प्रोहिबिशन प्रोवाइडेड रूल है कि हम लोग यदि कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो कौन कौन से रूल को एक्सेप्ट करके, मतलब कौन कौन से रूल के को ले के हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशंस प्रोहिबिटेड ऑन ऑफ इम्पोर्टेंट इन टू एंड एक्सपोर्ट फॉर इंडिया ऑफ द सर्टेन एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, तो हम लोग अगर हमारे इंडिया में कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करेंगे उसके बारे में देखेंगे. तो हम लोग देखते हैं आज फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या था, मतलब फर्स्ट क्लासेस ऑफ द प्रोहिबिशंस हमारा है कि प्रोहिबिटेड ऑफ द सर्टेन प्रोहिबिटेड प्रोहिबिशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ए सर्टेन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन डिजीज एंड डिजॉर्डर. तो हम लोग ऐसे कौन से डिजीज और डिजॉर्डर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जो ओमेंस के रिलेटेड मिसकैरेज हैं, ओमेंस के मिसकैरेज प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो
हमें नहीं करना है। ओमेंस के कंसेप्शन प्रिवेंशन को हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। उसके रिलेटेड हमारे जो इम्प्रूवमेंट का हमारे ह्यूमन बींग के सेक्सुअल प्लेजर की इम्प्रूवमेंट कैपेसिटी के मेंटेनेंस रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। ओमेंस के मेस्चुरल डिजर्डर करेक्शंस रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं करना है। और ऐसा कोई भी हमारे डिजीज डिजॉर्डर को ट्रीटमेंट प्रिवेंशन डायग्नोसिस करते हुए कोई भी प्रोडक्ट के जो भी हमारे शेड्यूल के अंतर्गत हैं उन्हें हमें एडवर्टाइज नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मिसकैरेज इन वुमेन एंड प्रिवेंशन ऑफ द कंसेप्शन इन वुमेन, ठीक है। द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग फॉर द सेक्सुअल प्लेजर, द करेक्शंस ऑफ द मेस्चुरल डिजॉर्डर इन वुमेन, द डायग्नोसिस क्योर मिटिगेशन ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज डिजॉर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल और एनी अदर डिजीज डिजॉर्डर और कंडीशंस व्हिच मे बी स्पेसिफाइड ऑन द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। समझ में आ गया जो भी मैं बोली अभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्लास है प्रोहिबिशंस ऑफ ए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड ड्रग्स। तो हम लोग कौन कौन से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है जो कि हमारे ड्रग्स के रिलेटेड, ऐसा कौन सा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं करना है। तो हम लोग ऐसा कोई भी ड्रग्स के कैरेक्टर के बारे में, ट्रू कैरेक्टर के बारे में, उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा फॉल्स इम्प्रेशंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे एडवर्टाइजमेंट में हम नहीं बता सकते हैं। कोई भी ड्रग्स के क्लेम, फॉल्स क्लेम को हम लोग मेकिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी ड्रग्स के पार्टिकुलर मिसलीडिंग मटेरियल्स के कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग वे को हम लोग नहीं बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक बर्गर का एडवर्टाइज देख रहे हैं, ठीक है, तो बल्कि पिज्ज़ा का एडवर्टाइज देख रहे हैं, हमें एडवर्टाइज में बताया जाता है कि ये 100 रुपीज़ में हमें इस तरीके की पिज़्ज़ा मिलेगी जो कि ऑसम दिखती है, लेकिन जब हम रियलिटी में 100 रुपीज़ देते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, एकदम टेस्टलेस चीज़ मिलती है। उसी तरीके से हमारी कोई एक फॉर एग्जांपल पैरासीटामल का ले लेते हैं, हमारे स्ट्रिप पे पैरासीटामल लिखा हुआ है, लेकिन हमें जब हम वो ड्रग्स को ले रहे हैं तो उसमें उस पैरासीटामल रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं है, हमें उसकी एक्टिविटी अदर टाइप्स की पता चल रही है। तो देट्स आर द फॉल्स क्लेम, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, इम्प्रेशंस रिगार्डिंग फॉल्स। तो ये सारे हमारे हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड है प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ए मैजिक रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन डिजीज एंड डिजॉर्डर। तो हम लोग कौन से ऐसे डिजीज और डिजॉर्डर रिलेटेड जो भी मैजिक रेमेडी है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। द पब्लिकेशंस ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रिफरिंग टू एनी मैजिक रेमेडी व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम टू द एफिकेसीज ऑफ एनी फॉर एनी ऑफ द पर्पज। तो हम लोग को ऐसा कोई भी ड्रग्स के एफिकेसीज को क्लेम नहीं करना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक के सामने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच रूल शैल बी मेड एक्सेप्ट। तो हम लोग को कौन कौन से रूल प्रोवाइड किए गए हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इन रेस्पेक्ट एनी डिजीज डिजॉर्डर और कंडीशंस विच रिक्वायर टाइमली ट्रीटमेंट इन द कंसल्टेशंस विथ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फॉर विच देयर आर नॉर्मली नो एक्सेप्ट रेमेडी एंड आफ्टर कंसल्टेशंस विद द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। And if the central government considers necessary with such other persons having the special knowledge for practical experience in respect of the Ayurvedic Yunani systems of medicines as that government deems fit, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रोहिबिटेड हैं उसके हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं इन इंडिया में, अगर हम लोग कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स के, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिटेड करेंगे। तो नो पर्सन्स सेलिंग द इंपोर्ट इन और एक्सपोर्ट फ्रॉम द टेरिटोरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंडेड एनी डॉक्यूमेंट
कंटेनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नेचर रिफर टू इन द सेक्शन 3-5 एंड एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनी सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी डीम्ड टू बी गुड ऑफ विच द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर द सेक्शन 19 ऑफ द सी कस्टम एक्ट 1878 एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एट एक्ट शैल हैव अफेक्टेड अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट दिस सेक्शंस 183 देयर ऑफ शैल हैव एक्सपेक्ट एज इफ ऑफ द वर्ल्ड शैल वर्ड सेल देयर इन द वर्ड मे वेयर सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है कि हम लोग अगर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स का कोई भी पर्सन के पास, तो हम लोग उस एडवर्टाइजमेंट में हमारे उस प्रोडक्ट के नेचर रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जो कि हमारे सेक्शंस 5-3-4 के अंतर्गत जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसके रिलेटेड हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, लेकिन हमारे उस अंतर्गत के हिसाब से हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। और हमारे सेक्शंस 19 में जो सी कस्टम्स एक्ट है उसमें प्रोहिबिटेड किए गए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में जाने। अब देखते हैं कि हमारा ऑफेंस और पेनल्टी क्या है। तो उसके पहले हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द ड्रग्स प्रिंटेड और पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी पर्सन प्रेयरर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। यदि हम लोग कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंटेड हुआ रहेगा, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश्ड हुआ रहेगा, गवर्नमेंट के कोई मिशन से बनाया हुआ होगा, तो हम उस चीज़ के एडवर्टाइज कर सकते हैं। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द टू ए ड्रग्स विच इज सेंड कॉन्फिडेंटली टू द प्रेस्क्राइब मैनर टू रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हम लोग ऐसा कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जो ड्रग्स हमारे कॉन्फिडेंटली प्रेस्क्राइब मैनर में सेंड किया गया होगा टू द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स रिलेट इंक्लूडिंग एनी टेराटाइज्ड और बुक डीलिंग विथ एनी ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू डिजीज विच आर अदरवाइज प्रोहिबिटेड प्रोवाइडेड पब्लिश द बोनाफाइड साइंटिफिक और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू एनी साइन पॉइंट बॉन्ड और नोटिस डिस्प्ले बाय RMP ऑन विच प्रीमिसेस इंडिकेटेड दैट द ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज डिजॉर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए ड्रग्स प्रिंटेड और ए पब्लिश्ड बाय एनी पर्सन विच आर द प्रीवियसली सेक्शंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ग्रांटेड प्रियर टू द कंसेंसमेंट ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग कौन कौन से चीज़ों के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और क्या है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स का कर सकते हैं जिसमें कि हमारे सर्टेन एनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर द RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के गाइडलाइंस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस के इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग हम लोग कोई भी ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसका थेरापटिक इंडिकेशन बता सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता सकते हैं, डोसेजेस फॉर्म और उसका साइड इफेक्ट बता सकते हैं, प्रिकॉशंस बता सकते हैं। हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है और उसके लिटरेचर्स गिवन इन द RMP डिस्पेंसरी हॉस्पिटल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस केमिस्ट डॉगिस्ट एंड फार्मेसी को ये सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट से हमारे एक्ट है उसके ऑफेंस और पेनल्टी क्या है। तो हम लोग का जो एक्ट से वो एक्ट क्या है, हु हैवर द कंट्रावेंशंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड अंडर सेल नो कंस्ट्रिक्टेड और टू द पोनिसेबल
तो हम लोग ऐसा कोई भी एक्ट के यदि खिलाफ़ जा रहे हैं तो हमें क्या क्या पनिशेबल मिल सकता है, क्या क्या इम्प्रिजमेंट मिल सकता है। तो इन द केस ऑफ द फर्स्ट कन्विक्टेड द इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंडेड टू 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। तो अगर हम लोग कोई भी फर्स्ट कन्विक्टेड में जा रहे हैं, अगर हमारे इन सभी प्रोडक्ट्स के अदरवाइज अगर हम लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हमें 6 months की इम्प्रिजमेंट मिल सकती है और फाइन हो सकती है और बोथ। अगर हम लोग सब्सिक्वेंटली कन्वियंट हमें दिया जा रहा है तो उसमें हमें एक्सटेंड किया जा सकता है 1 year तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, तो लेट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग वीडियो एंजॉयमेंट किए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।